अमिटी यूनिवर्सिटी मतलब अमीरों का कॉलेज। आईआईटी के अंदर बच्चे साइकिल लेकर आते हैं, लेकिन अमिटी के अंदर बच्चे मर्सिडीज लेकर आते हैं। एक दफा किसी ने मजाक में कहा कि अमिटी के बच्चों का इतना बड़ा प्लेसमेंट होता है, अगर कोई बच्चा कंपनी छोड़ दे तो पूरा मोहल्ला खाना खजाना चला जाएगा। अमिटी की बिल्डिंगों की बात हो। नमस्कार, मैं कमल सैनी बात कर रहा हूँ, फाउंडर एंड सीईओ कॉलेज जानकार .com। अमिटी यूनिवर्सिटी एक छोटा सा कैंपस 2005 के अंदर स्टार्ट किया गया था नोएडा से कुछ ही प्रोग्राम्स के जरिए। आज अगर बात करूं अमिटी यूनिवर्सिटी की, वर्ल्ड वाइड 5 कैंपस चलते हैं इसके आउट ऑफ इंडिया, जिसके अंदर लंदन, न्यूयॉर्क, दुबई जैसी जगहों के ऊपर, सिंगापुर जैसी स्टेट्स आई कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन आज चलते हैं 5 चलते हैं वर्ल्ड वाइड। इसके साथ ही 12 कैंपस ओपन करता है ये इंडिया के अंदर अमिटी यूनिवर्सिटी। अमिटी जाना भैया, अमिटी जाना। लेकिन ये अमीरों का कॉलेज क्यों कहा जाता है इसको? क्या इसके पास बहुत सारा पैसा है, या फिर आपको जाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए? क्या चाहिए? इतनी बात हो रही है भैया अमिटी की, तो अमिटी की थोड़ी फैसिलिटीज के बारे में भी जान लेते हैं, क्या क्या फैसिलिटी देता है ये अमिटी यूनिवर्सिटी। दोस्तों, अमिटी यूनिवर्सिटी का जो लाइब्रेरी है वो किसी 5-स्टार होटल से कम नहीं है। अमिटी यूनिवर्सिटी ने क्या किया, गार्ड को रिप्लेस कर दिया, जो भी गार्ड है उसकी छुट्टी कर दी। तू जा भैया, मेट्रो में जैसे हम जाते हैं कार्ड सिस्टम लगाते हैं, कार्ड डालते हैं, एंट्री होती है, अमिटी यूनिवर्सिटी ने भी ऐसा किया, लग्जीरियस बना दिया एकदम। उसने क्या किया, उन्होंने बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों से टाइप किया, उसने रिलीज किया अमेजोनी अमिटी इंटरनेट एरिया। उसने क्या किया, उसने बहुत सारी टॉप जो कंपनीज होती है, उसने जो है आईएसएन वन की सर्विस दी बच्चों को, कि तुम जो है इनकी वेबसाइट एक्सेस कर सकते हो अमिटी के प्लेटफॉर्म के थ्रू। तुमको मैगजीन पढ़नी है कोई बात नहीं, तुमको अदर न्यूज़पेपर से नहीं जाना, वर्ल्ड का टॉप न्यूज़पेपर तुम्हारे मोबाइल में वेबसाइट में दिखा देता हूँ तुमको मैं। तुमको मैगजीन पढ़नी है, वर्ल्ड का टॉप मैगजीन्स में तुमको दिखा देता हूँ, ये लो सॉफ्टवेयर, हमने वर्ल्ड की टॉप मैगजीन से कॉन्टेक्ट बना रखा है, हमने उनके साथ टाइप कर रखा है। तुमको वर्ल्ड की किसी टॉप प्रोटोटाइप से बाय बिलोग्राफी पढ़नी है किसी की, ठीक है हम दिखाते हैं तुमको, हमने इसके साथ टाइप किया है। अमिटी यूनिवर्सिटी ने इप्सो होस्ट की सर्विस बच्चों को दी, IS1 की सर्विस बच्चों को दी, डेलनेट जैसी कंपनी से टाइप किया, बच्चों को सर्विस प्रोवाइड करनी शुरू करी। आप इप्सो होस्ट की वेबसाइट पर जाते हैं, आप अगर अमिटी के स्टूडेंट हैं, आप वहां पे जाके जनरल, मैगजीन्स, बायबिलोग्राफी बहुत सारी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप अमिटी के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये कॉलेज अमीरों का कॉलेज है, हमें ऐसा कहां मिलता है। लेकिन फिर भी हरामी लड़के फिर भी नहीं पढ़ते हैं, बेशरम लड़के, स्किल विस्किल कुछ है नहीं, बस डिग्री लेके आ जाते हैं भैया, अमिटी से पढ़ाई की हमने, अमिटी से पढ़ाई की है। आईआईटी वाले बेचारे साइकिल लेके जा रहे हैं, अमिटी वाले मर्सिडीज लेकर आ रहे हैं। हालांकि अमिटी के अंदर फैसिलिटीज भी बहुत सारी है। अमिटी ने क्या किया, अमिटी ने स्विमिंग पूल बना दिया, ठीक है, तैरना है आपको, ठीक है, गुस्सा आ रहा है कोई बात नहीं, लड़ाई नहीं करनी है, बंदूक वाला हमने फायरिंग पॉइंट बना रखा है, जाकर ठक 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 फायरिंग करो आप लोग। अमिटी ने और क्या किया, अमिटी ने जो जितने भी फूड डिलीवरी पार्टनर होते हैं, सबवे, मैकडोनाल्ड्स, लापिनोज, जो भी डोर होता है, बहुत सारे को बोला भैया मेरे कैंपस में आ जाओ, बहुत सारे अमीर लोग आ रहे हैं, बिकेगा खूब। आ गए भैया, वहीं पे डेरा डाल दिया उन लोगों ने, ठीक है, जो भी खाना है खा लो। बैंक पैसा तो चाहिए, पैसा। अमिटी यूनिवर्सिटी ने कहा बैंक वालों को, आ जाओ भैया कैंपस में आ जाओ। हालांकि बैंक तो कॉमन है बहुत सारे कॉलेजों में, ऑलमोस्ट गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजों के अंदर बैंक तो आ जाता है चला है, क्योंकि पैसा तो सबको चाहिए। बैंक ब्रांचें भी खोल दी यूनिवर्सिटी। अमिटी यूनिवर्सिटी तो इंटर्नशिप कैंपस में ही दे देती है, उनका जॉइंट बिल्डिंग इंटर्नशिप दे देता है, बाहर निकलने का मौका ही नहीं देता है। मतलब अमिटी यूनिवर्सिटी का जो मेन जो रीजन है ना बच्चे को आने का, वो तो बिल्डिंग ही तो है। इतनी बड़ी 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 इतना सुंदर कैंपस बना देंगे, एकदम लस ग्रीन है, बादल एकदम तैर रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, स्विमिंग पूल है, जिम है, म्यूजियम है, शॉपिंग मॉल है, बच्चे घूम रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे तो आईआईटी तक के अंदर नहीं है, हा? वो ट्रेन वाली क्या बोलते हैं उसको, जो चलती रहती है ना ऐसे ठुक ठुक ठुक, उसके ऊपर पैर रख दो और वो आपको नीचे ले जाएगी, ठीक है, बहुत सारे मॉल वगैरह में होती है। अमिटी यूनिवर्सिटी ने लगा रखी, उसने तो लाइब्रेरी में भी शटर लगा दिए, और इतना लाजवाब बनाया है उसने,
कार्ड से एंट्री नहीं होगी आपकी गार्ड से, आपको कार्ड देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन हाँ 75% क्राइटेरिया थोड़ा बच्चों को दखल देता है क्योंकि अमीर लोग काफी ज्यादा जाते हैं वहां। हालांकि नॉर्मली एवरेज लोग भी जाते हैं अमिटी के अंदर, ऐसा नहीं है कि एवरेज नहीं जाते, एवरेज भी काफी सारे जाते हैं, फैमिली जो कि लोन लेती है, पढ़ाई करती है, एंड सो ऑलमोस्ट काफी डिसेंट लाइफ गुजरती है अमिटी की। नोएडा कैंपस काफी ज्यादा फेमस माना जाता है। इसके साथ ये भी लगातार अपने कैंपसेस अपग्रेड करती जा रही है। ऑलमोस्ट 12 कैंपसेस के आसपास अमिटी यूनिवर्सिटी ने इंडिया के अंदर खोल रखे हैं, जिसके अंदर जो फेमस कैंपस है वो नोएडा है, आई थिंक मुंबई के अंदर भी एक कैंपस खोल रखा है उसने, जयपुर में भी खोल रखा है, मोहाली में भी खोल रखा है, पटना में भी खोल रखा है, बहुत सारी जगह लोटोब लगातार खोलता ही जा रहा है। दुबई के अंदर भी कैंपस है इसका, लंदन के अंदर भी है। ये अमिटी यूनिवर्सिटी क्या करता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक्सचेंज प्रोग्राम के जरिए भेजता है, जिसके अंदर लंदन वाले बच्चे इधर आ जाते हैं, इधर वाले बच्चे लंदन या फिर जहां पे भी उसके सेंटर्स है दुबई के अंदर, वहां पे बच्चे चले जाते हैं अमिटी के अंदर। एंड आगे अगर बढ़ते हैं अपन, अब बात करते हैं प्लेसमेंट की। देखो यार, फीस की अगर बात की जाए तो यूनिवर्सिटी की फीस सिर्फ वही अमीर वाले लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब आई थिंक काफी ज्यादा फीस लगती है। लोटोप एंड एवरेज कॉलेज से बहुत ज्यादा फीस लगती है इस यूनिवर्सिटी की, उतनी ज्यादा भी नहीं है, नॉर्मल टाइप आप समझ सकते हो अमीरों के लिए, ठीक है, हमारे जैसे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। प्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी फैसिलिटीज दे रही है, या फिर इसके जितने वर्ल्ड वाइड कैंपस लगातार बनाते जा रही है, या फिर इसने जितने ज्यादा इंडिया के अंदर 12 के आसपास कैंपसेस खोल रखे हैं, उस हिसाब से तो प्लेसमेंट इज वेरी बेड, बहुत ज्यादा घटिया है, वाहियात है। अर्शनीर वाला डायलॉग बोलना, भाई क्या कर रहा है तू? ये सब दोगलापन है। तो अगर प्लेसमेंट की बात करूं तो यार ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको एवरेज प्लेसमेंट देखने को मिलेगा 3 से 4 LPA का, हाईएस्ट तो बहुत लाखों तक जाता है। एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं जो कि अपना भविष्य बहुत ऊपर तक लेके जाते हैं, वरना लोट ऑफ गाइस तो अपनी लाइफ लग्जीरियस ही गुजारते हैं, जिस कारण जो है उनको मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स आती है और हमको ये सब बोलना पड़ता है कि भैया प्लेसमेंट नहीं हो रहा, वो उनकी वजह से ही नहीं हो रहा। यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी बात जो हमको ये लगती है वो है ऑफर्स लेके आना। हालांकि यूनिवर्सिटी के अंदर ऑफर बच्चों को बहुत सारे आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों से आते हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स के अंदर बहुत सारे लोगों की हेल्प की जाती है अपने स्टार्टअप्स के रिगार्डिंग, जो कि एक बहुत अच्छा पॉइंट है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि फ्यूचर के अंदर अगर आप कॉलेज देख रहे हैं, देन द स्टार्टअप इज द फ्यूचर, बहुत सारे लोग स्टार्टअप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, बहुत सारे नए नए नौजवान युवा स्टार्टअप स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट स्टार्टअप स्टार्ट भी कर रहे हैं। इसके लिए आपके पास होना चाहिए एक आइडिया, और उस आइडिया को रियलिस्टिक उतारने के लिए आपके चाहिए बहुत सारे पैसे, जो कि आपको देता है इनक्यूबेशन सेंटर या फिर एंजल इन्वेस्टर। तो इसलिए आप एक ऐसा कॉलेज चूज करें जहां पे आपके आइडिया को पैसा मिल सके, इट मीन्स वहां पे एक इनक्यूबेशन सेंटर हो जो कि आपको ग्रो करने में काफी ज्यादा हेल्प कर सके। हालांकि यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग बहुत सारे अच्छों बच्चों के बहुत अच्छे फीडबैक है, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा कर भी रहा है और नहीं भी कर रहा है, हालांकि इसके कुछ बेड इफेक्ट भी है, जैसा कि 75% क्राइटेरिया, जो कि इस स्टूडेंट के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट को फेल भी कर दिया जाता है, जिसकी एक एग्जाम को फिर से पास करने की फीस अप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने की लगती है 1800 रुपये पर सेमेस्टर। अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको फिर से अब रिप्लाई करना है, तो आपको 1800 रुपये देने पड़ेंगे पर सब्जेक्ट के हिसाब से, ऐसा हमें किसी स्टूडेंट ने बताया लिख करके, इसका कोई ऑफिशियली कंफर्मेशन। तो यार एट द एंड ये डिसीजन बनना होता है कि भैया क्या हमें एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हालांकि यार इससे डिपेंड ऑन योर कैंपस कि आप कौन से कैंपस के अंदर हो, हालांकि बहुत सारे कैंपस बहुत अच्छा उखाड़ रहे हैं, जैसा कि नोएडा का कैंपस हो गया, बहुत सारे कैंपस लगातार नए खुल रहे हैं, तो उनके अंदर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपका बजट कितना है। अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है कि आपकी फैमिली
इस टाइप ऑफ फीस को अफोर्ड ये नहीं कर सकती, देन आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई भी कर सके। लेकिन आपके अंदर एक लगन है, आपके अंदर एक झलक है कि यार आप कुछ ना कुछ उखाड़े देंगे, तो आप अमिटी क्या, आप एक लोकल कॉलेज के अंदर भी पढ़े तो भी आप बहुत अच्छा उखाड़ सकते हैं, तो अमिटी तो आपको बहुत ऊपर लेके जाएगी। मैंने कोई अमिटी का स्पॉन्सर नहीं कर रहा, मैं आपको एक नॉर्मल वे के अंदर बता रहा हूँ, और ना ही मैं कोई स्पॉन्सर लेता हूँ ऐसे कॉलेजों से। अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो जस्ट मेरा यही सजेशन था कि बहुत सारे स्टूडेंट का यही क्वेश्चन आता है कि अमिटी इज द अमीरों का कॉलेज। तो यार बेसिकली मेरे को भी ऐसा लगता है कि अमीरों का कॉलेज तो है, बिकॉज फैसिलिटीज बहुत अच्छी दे रहा है, और हम यही चाहते हैं कि यार बहुत ज्यादा गर्व करें, बहुत सारे बच्चों का भविष्य बनाए। अब बाप का बहुत सारे सवाल रहते हैं कि भैया आखिरकार हम कौन सी फील्ड चूज करें, हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन हो क्या सकता है। आखिरकार AI जैसे टूल्स आ रहे हैं जो कि बहुत सारे ह्यूमंस की जॉब खा रहे हैं लगातार, आखिरकार अब इंसानों का क्या बचा है? क्या VR की तरफ जाना चाहिए, AI की तरफ जाना चाहिए, डेटा साइंस की तरफ जाना चाहिए, कंप्यूटर साइंस की तरफ जाना चाहिए, मेडिकल करना चाहिए? आखिरकार व्हाट इज द ऑप्शन, आखिरकार हम करें तो करें क्या? तो उसके लिए हम आपको बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, इसके साथ ही बेस्ट कॉलेजेस भी। तो उसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे जरूर से कॉल करें, डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, बोर्ड लाइन नंबर पे भी दिया गया है। थैंक यू सो मच गाइस, खूब पढ़ते रहो, छोटों से प्यार करो और बड़ों का सम्मान करो। धन्यवाद। जय हिंद।